Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important topic of calculus which is successive differentiation. So let's start the video, and this video is very helpful for the BSc students as well as for entrance point of view. So chaliye start karte hain. Successive differentiation. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हम वन टाइम टू टाइम थर्ड टाइम इस तरह से कर सकते हैं, तो इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, इस तरीके से इसका हम लिख सकते हैं, या इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, इस तरीके से, या इसको साधारण भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई और डी डैस वाई डी टू डी डबल डैस वाई, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये सारे जो टर्म दिख रहे हैं ये सारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाते हैं इस फंक्शन का वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का. तो इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, तो चलिए देखते हैं. जैसे एक क्वेश्चन है, इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो. तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पता है कि y है एक फंक्शन ऑफ x, गिवन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, साइन इनवर्स x इक्वल टू, यानी ये एक तरीके से फंक्शन ऑफ x है. इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है. यहाँ y2 जो है, y2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद फिर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे. तो चलिए, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई वन से. तो ये हो जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा. तो ये हमें मिल गया वाई वन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वाई वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स. तो अभी हमें नेक्स्ट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा फोर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा. तो फिर से इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे और इधर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई वन इंटू वाई टू, और ये हो जाएगा फोर वाई वन स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो टू वाई वन, और फिर वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, मतलब पावर का पहले करेंगे उसके बाद इसका वाई टू, और ये हो जाएगा फोर. फोर तो यहाँ पहले से है तो ये हो जाएगा
ये इसके जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फोर इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। यहाँ अगर हम वाई स्क्वायर लिख लें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू वाई और वाई वन। सिंपल, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं फोर, ये फोर और ये वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम चाहें तो दोनों साइड से टू वाई वन से डिवाइड कर दें, टू वाई वन से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो टू वाई वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई लेट मी चेक टू साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा फोर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फोर और ये वाई स्क्वायर, सो फोर टू वाई इंटू वाई वन, ठीक है। तो ये आएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, और ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई वन, और इस टर्म से अगर हम टू वाई वन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू वाई, सो माइनस एक्स वाई वन और टू वाई वन, जहाँ पे एक टर्म इसका आ रहा है वाई, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का होल स्क्वायर है तो आएगा टू वाई और वाई वन, सो टू वाई वन, यहाँ पे आ रहा है माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो एक मिनट देख लेते हैं इसको, सो दिस इज द मिस्टेक, फोर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ये होगा ओनली वाई नॉट वाई स्क्वायर, बिकॉज दिस स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो सिर्फ दिस इज वाई, ये हो जाएगा फोर वाई वन, जब टू वाई वन से डिवाइड करेंगे तो सिंपली यहाँ पे टू माइनस टू आए, यही तो है हमारा रिजल्ट। सो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको क्रॉस कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव और कुछ अरेंज करेंगे इधर उधर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी वैल्यू रख सकते हैं, या जो वाई की वैल्यू यहाँ पर सबसे शुरू हुआ था ये कर सकते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा आराम से। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन है इफ वाई इक्वल टू ए साइन एम एक्स, वाई इक्वल ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, देन प्रूव दैट वाई टू प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वाई इक्वल ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, एंड देन प्रूव दैट वाई टू मीन्स अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस वाई का हमको दो बार डेरिवेटिव करना है और प्लस दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन है y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ये हो जाएगा y1 इक्वल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव a साइन एम एक्स का हो जाएगा कॉस एम एक्स इंटू एम एम एक्स का करेंगे फिर से प्लस b
कॉस एम एक्स का होगा माइनस साइन एम एक्स इंटू एम। तो चाहें तो दोनों में से m कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा a cos mx माइनस b sin mx, दिस इज y1। अब इसी का एक बार और डेरिवेटिव करें अगर हम, तो y2 मिल जाएगा। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y2। सो y2 इज द नेक्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। सो ये हो गया m a, फिर से cos mx करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एम एक्स इंटू एम माइनस बी, और साइन एम एक्स का हो जाएगा cos mx और इंटू एम। तो यहाँ से भी हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो m को कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो माइनस एक एम पहले से है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा a साइन एम एक्स प्लस बी cos एम एक्स, और ये हो गया माइनस एम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में था, यानी दिस इज इक्वल वाई वाई टू, और वी कैन राइट वाई टू प्लस एम टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, यही हमें लाना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाई हमें गिवन है, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन उसका सेकेंड डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे y हम रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन से ही, a sin mx plus b cos mx is equal to y। सो दिस इज द रिजल्ट प्रूव्ड। तो इस तरह से सक्सेसिव के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये एंट्रेंस वगैरह में भी पूछता है और बीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। If y equal to a e to the power ax plus b e to the power minus ax, then prove that y2 minus a square y, y2 minus a square y equal to 0. Then prove that y2 minus a square y equal to 0। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसको करते जाना है। इसका फर्स्ट y हमें गिवन है, क्या है, a e to the power ax plus b e to the power minus ax। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा a, फिर e पावर ax, फिर इस a होगा प्लस b e टू द पावर माइनस ax, और इसका हो जाएगा माइनस a होगा। इसके बाद इसका, इसमें से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो a e टू द पावर ax माइनस b e टू द पावर माइनस ax। ठीक है, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y2 इक्वल a, एंड दिस इज इक्वल e टू द पावर ax इंटू a माइनस b e टू द पावर माइनस ax, और ये हो जाएगा माइनस a। क्लियर, माइनस ax का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ax। तो फाइनली हमें मिलेगा, यहाँ से भी हम a कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ब्रैकेट में मिलेगा a e टू द पावर ए एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b e टू द पावर माइनस ए एक्स ए स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी है, y के बराबर है, ये पूरी वैल्यू y के बराबर है। सो y2 माइनस ए स्क्वायर y इक्वल टू ज़ीरो, यही हमें प्रूफ करना था, y2 माइनस ए स्क्वायर y इक्वल ज़ीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
एक बार देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन है इफ वाई इक्वल ई पावर ए एक्स, ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट वाई टू माइनस टू ए वाई वन, वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दो। तो इसे हमें क्या करना है, इसमें भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए y1 भी, और इधर y की वैल्यू है, तो जहाँ कहीं भी हमें y का एक्सप्रेशन दिखेगा हम सेम इसको पुट कर लेंगे, और इधर y1 और यहाँ पे y2 है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन, गिवन फंक्शन है y इक्वल e टू द पावर ए एक्स और cos बी एक्स। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा, वाई वन। ये दो फंक्शन है तो फर्स्ट और सेकेंड लग जाएगा, तो ई टू द पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स को लिख सकते हैं डेरिवेटिव उसका माइनस साइन बी एक्स, और फिर बी एक्स करेंगे तो आएगा बी प्लस कॉस बी एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए, ए के बाद जो टर्म दिख रहा है ई टू द पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, ए टू द पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। तो यहाँ पर सिंपली हम वाई लिख सकते हैं इसके प्लेस पे वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया वाई वन। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई टू के रिस्पेक्ट में, वाई वन के एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई टू मिलेगा माइनस बी, इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी प्लस साइन बी एक्स, ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू स्मॉल ए। तो डेरिवेटिव करते समय थोड़ा सा सतर्क रहेंगे फर्स्ट सेकेंड लगाते समय, कि पावर का डेरिवेटिव ना छूट जाए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ए और ये हो गया वाई वन, ए वाई वन। तो अब यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक कर दें माइनस बी, या इसको हम कुछ पुट करते हैं ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स इसके बराबर है वाई के बराबर, यहाँ पे हम वाई लिख सकते हैं, यानी ये हो गया बी और वाई प्लस दिस टर्म, ये टर्म हमारा कहाँ पे है, इस टर्म को ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक इस टर्म को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा घटम एज इट इज़, तो साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए, इसलिए हम छोड़ दिए माइनस बी से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा बी और ये हो गया ए और वाई वन। क्लियर है इतना? अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस बी साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स, और यह हो जाएगा ए
और ये है प्लस ए वाई वन। क्लियर। अब यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू हमें दिख रही है माइनस बी टू द पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। इस पूरे की जगह पे हम वाई वन लिख सकते हैं, वाई वन माइनस ए वाई। सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस, तो इसको हम प्लस ले लेते हैं वाई वन माइनस ए वाई। सो वाई वन माइनस ए वाई इंटू ए प्लस ए वाई वन। ठीक है, तो ये माइनस के साथ पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक पूरे टर्म को हम यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं y1 माइनस ए वाई। यहाँ पे y2 है, y2 तो ये हमें मिल गया y2 इक्वल इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, सो माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन। ये हो जाएगा टू ए वाई वन, दोनों टर्म को ऐड करेंगे टू ए वाई वन। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। सो वाई टू इक्वल टू टू ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। अब इसको इधर लेते आएंगे, आंसर आ गया हमारा वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। यही तो हमें लाना था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। मिला लीजिए, सेम है, जो हमें प्रूफ करना था वो यही था। ठीक है, इसके बाद हम का क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया है x इक्वल टू a t माइनस साइन t एंड y इक्वल a वन प्लस कॉस टी। देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू वन अपॉन फोर ए कोसेक टू द पावर फोर टी बाई टू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, सो वन अपॉन फोर ए कॉसेक फोर टी हाफ, ये हमें शो करना है। तो गिवन है एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस ए वन प्लस कॉस टी एंड देन हमें ये लाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है हमारा एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हिसाब से डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे। उसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट जो गिवन है एक्स इक्वल टू ए वन प्लस कॉस टी, इससे हम डी वाई बाई
डी टी फाइंड कर लेंगे, तो ये मिलेगा ए, और कॉस टी का हो जाएगा सिंपली माइनस साइन टी। उसी तरीके से डी एक्स बाई डी टी मिलेगा ए, और टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस टी। क्लियर? अब डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से फाइन कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस ए साइन टी अपॉन ए वन माइनस कॉस टी। क्लियर? यहाँ से ए कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा माइनस साइन टी अपॉन वन माइनस कॉस टी। तो अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दें हम, माइनस साइन टी वन माइनस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, हाफ एंगल वाला फार्मूला जो होता है कॉस टी इक्वल वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी हाफ, हाफ एंगल का फार्मूला कॉस टी इक्वल वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी हाफ। यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले को लिख सकते हैं टू साइन टी हाफ इंटू कॉस टी हाफ, और अपॉन में हो जाएगा ये वन कैंसिल टू साइन स्क्वायर टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो माइनस एक साइन कटेगा, ये हो जाएगा कोसेक टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, तो ये हमको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो अब यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लगाना होगा इसके आगे, तो चलिए शुरू करते हैं, चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ए और ए वन माइनस कॉस टी। तो ये आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस है बाहर, क्या होगा कोशिक टी बाई टू, और कॉस टी बाई टू का हो जाएगा माइनस साइन टी बाई टू इंटू हाफ, और डी टी बाई डी एक्स प्लस कॉस टी हाफ इंटू इंटू कोसेक टी हाफ का हो जाएगा कॉट स्क्वायर, कोसेक टी हाफ होगा कॉट स्क्वायर, या माइनस माइनस कॉट स्क्वायर टी हाफ इंटू 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 हो जाएगा हाफ डी टी बाई डी एक्स। तो थोड़ा सा हम लोग लग रहा है रास्ता बदल लिए हैं, क्वेश्चन खींच रहा है लंबा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारा छूट गया बीच में ही, तो माइनस कोसेक टी हाफ और साइन टी हाफ ये मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा ओनली माइनस हाफ, माइनस हाफ डी टी बाई डी एक्स ये वाला प्लस
या ये भी यहाँ से प्लस बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हाफ। कॉस को लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू टी बाई टू, और ये कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, क्योंकि कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, और जो बटा साइन है वो ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक का पावर टू टी बाई टू, ठीक है। और डी टी बाई डी एक्स, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा माइनस हाफ डी टी अपॉन डी एक्स, बचेगा क्या वन प्लस, वन प्लस इसकी वैल्यू को ज़रा हम उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है, कोसेक कॉस क्यू टी हाफ, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी हाफ, कोसेक स्क्वायर टी हाफ। अब डी टी बाई डी एक्स एक बार देख लें हमारा क्या आया था, उसी को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डी टी डी एक्स बाई डी टी क्या था, डी एक्स बाई डी टी था, इसको हम किसी और मेथड से बताएंगे, ये मेथड थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है रास्ता थोड़ा हम बदल गए हैं। तो ए हो गया वन माइनस कॉस टी, ये आया था वन माइनस कॉस टी, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसको हमें यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आएगा ए वन माइनस वन प्लस टू